10वीं यानी कि अक्षय तृतीया के अवसर पर मराठी इंडस्ट्री की तरफ से हुई ढेर सारी अनाउंसमेंट जिनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षय, वेलकम बैक टू वर्ड्स में रिव्यू। मराठी एक्टर प्रथमेश परत दो बड़े प्रोजेक्ट के साथ अपना कमबैक करने वाले। एक तो वेब सीरीज है बोलबम के साथ जिसका नाम है ताजा खबर सीजन टू। सीजन वन तो एक नंबर था, सीजन टू से भी काफी एक्सपेक्टेशन है। अब ओरिजिनली तो ये हिंदी वेब सीरीज है बट अगेन ये मल्टीपल लैंग्वेज में आने वाली है। अगर मराठी में आती है देन वेल एंड गुड। अब 10वीं को प्रथमेश परत की और एक बड़े प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई जिसका नाम है मुंबई लोकल, जो एक लव स्टोरी होने वाली है। तो मराठीत मैंने तो प्रथमेश परत यांच्या कमबैक मी आतुरतेने वाट बघत आहे, कारण बॅक टू बॅक अडल्ट कॉमेडी वाले चित्रपट करण्यामुळे लोकांनी त्यांना प्रचंड क्रिटिसाइज केलाय आणि मी सुद्धा केलंय, कारण मी त्यांचा फॅन आहे आणि मला माहिती आहे की खूप चांगले ऍक्टर आहे। फक्त गरज आहे त्यांना चांगल्या स्क्रिप्ट आणि डायरेक्टरची जे त्यांना चांगलं रिप्रेझेंट करेल। आणि मुंबई लोकल नावाच्या त्यांच्या या चित्रपटाकडनं सुद्धा तीच अपेक्षा आहे। सध्या तरी फिल्मची शूटिंग चालू झाली आहे आणि कदाचित आपल्याला हा सिनेमा पुढच्या वर्षी पाहायला मिळेल। 10वीं को मराठी इंडस्ट्री की तरफ से और एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट थी फुल बंदी नाम की मराठी फिल्म को लेके, और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है प्राजक्ता माळी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करे पैनोरामा स्टूडियोज। एक्चुअली मराठी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि पैनोरामा स्टूडियोज की यह पहली बिग बजट मराठी हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है जिसकी लीड एक्ट्रेस है प्राजक्ता माळी। रिसेंटली मराठी इंडस्ट्री की तरफ से और एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट थी सीक्वल को लेकर जिसका नाम है येरे पैसा थ्री, डायरेक्टेड बाय संजय जाधव जो पार्ट वन के डायरेक्टर थे। आता मराठीत मला तो येरे पैसा तीसरा पार्ट सुद्धा येईल याची काही अपेक्षा नव्हती, कारण पार्ट वन ची कॉमेडी तरी बघण्यासारखी होती, तो चांगला चित्रपट होता। पण पार्ट टू पण तिसरे पार्टची चांगली गोष्ट म्हणजे संजय जाधव पुन्हा डायरेक्ट करत आहे आणि पार्ट वनची जी ओरिजिनल कास्ट होती ती पुन्हा एकदा रिटर्न झाली। आणि यासोबत अजून एक मराठी सिनेमाची अनाउन्समेंट झाली, नाव आहे लाईफ लाईन। या चित्रपटामध्ये अशोक सराफ आणि हेमांगी कवी हे लीड ऍक्टर्स असतील। या फिल्मची पूर्ण स्टोरी लाईन किंवा कॉन्सेप्ट एका हॉस्पिटलमध्ये सेटअप केलेली आहे आणि कदाचित आपल्याला हा सिनेमा यावर्षी पाहायला मिळेल। इस साल पॅनोरामा स्टुडिओज की तरफ से मराठी इंडस्ट्री को ज्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉन्टेंट, क्योंकि और एक मराठी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है जिसको पैनोरामा स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया और ये फिल्म 26 जुलाई को आने वाली और इस फिल्म का नाम है गरत गणपति। गरत गणपति नाम की मराठी फिल्म एक फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा होने वाली है जिसके लीड एक्टर है भूषण प्रधान एंड इस फिल्म के साथ कबीर सिंह फेम निकिता दत्ता भी मराठी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाली। लास्ट मंथ इस फिल्म के मेकर्स ने एक मिनट का टीजर रिलीज किया था जिसका बीजीएम और विजुअल्स एकदम अपीलिंग। देखो इस फिल्म का टीजर जितना अपीलिंग है उतनी अच्छी फिल्म की मार्केटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्म का कंटेंट अच्छा होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाते क्योंकि ऑडियंस को पता ही नहीं होता है। आता मराठीत मला तर जुना फर्निचर च्या प्रमोशनच्या वेळी महेश मांजरेकर सरांनी असं सांगितलं की मराठी इंडस्ट्रीचा कॉन्टेंट चांगला असतो, मागे पडतं ते फक्त मार्केटिंगमुळे। यावर्षी सुद्धा ओले आले, पंचक, नवरदेव बीएस सियागिरी आणि स्वरगंधर्व सुधीर फडके हे चांगले सिनेमे असून सुद्धा बॉक्स ऑफिसवरती इतके नाही चालले। सो गाइज, आने वाले मराठी मूवीज के बारे में आप क्या सोचते कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।